एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के जबेरा जनपद में आने वाले सिग्रामपुर के समीप चौरई गांव के बाहर एक देव स्थान है, जहां पर आदिवासी समुदाय के सर्वोच्च देवता स्थापित किए गए हैं। आम भाषा में यदि सर्वोच्च देव को बड़ा देव के नाम से पुकारते हैं, औपचारिक तौर पर उनके सर्वोच्च देवता को बड़ा पैन कहा जाता है। बड़ा पैन को गोद आदिवासी प्रकृति शक्ति का प्रतीक मानते हैं। यह देवता और शक्ति है जो समस्त जीवन जगत को जीवन प्रदान करते हैं, जिसमें आज उनके देव को पूजने और उनके मंदिर निर्माण एवं मंदिर के उद्घाटन समारोह में आदिवासी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, जहां पर जबेरा जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद राय के नेतृत्व में उद्घाटन में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में समुदाय के लोगों की उपस्थिति रही। एसीएन न्यूज़ के लिए अजय दुबे की रिपोर्ट। करीब 3.5 महीने पहले की बात है, तो बड़े देव जी महाराज हमारे सपने में आए थे और उन्होंने प्रेरणा दी थी कि यहाँ मंदिर निर्माण कराएं आप, और उस प्रेरणा को लेकर फिर हमने यहाँ बैठक की आदिवासी समाज की। तो उन लोगों के सामने हमने बात रखी कि भैया हम मंदिर निर्माण कराना चाहते हैं। सब ने हमको बोल दिया कि ठीक है, आप मंदिर निर्माण करा सकते हैं। और हम पर हमेशा आदिवासी समाज की सेवा करते आ रहे हैं शुरू से, और उन्हीं की कृपा है बड़े देव जी की कि मतलब उनने जो प्रेरणा दी हमको। कितने का संकल्प है आपका मंदिर में लगाने का? अब वो लगा भव्य मंदिर बनना चाहिए, जितना भी लगे, मतलब वो पैसे तो हम नहीं खोल रहे, लेकिन जितना भी मतलब लगेगा वो भव्य मंदिर बनवाएंगे। इसमें जन सहयोग भी रहेगा? हाँ, मतलब इसमें ये नहीं रहेगा कि मतलब विनोद राय ने बनवाया है, मतलब हमारा ये है कि जन जन का भला एक एक रुपया लगे, लेकिन जन जन का लगना चाहिए इसमें। और उसमें कहीं कोई नाम नहीं लिखा जाएगा कि भैया इसने विनोद राय ने बनवाया कि इसने बनवाया, मतलब हमारा ये है कि जन जन का पैसा लगना चाहिए। इससे क्या है, आस्था बढ़ती है धर्म के प्रति। हाँ, जो कार्यक्रम चल रहा है विशाल भंडारे का कार्यक्रम, विनोद राय साहब के द्वारा जो जनपद अध्यक्ष है यहाँ जबेरा ब्लॉक के, उनके द्वारा विशाल भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारा ट्राइबल आदिवासी समाज बहुत उत्साह से है। और ये मंदिर का जो निर्माण है ये उन्हीं के विनोद राय साहब के द्वारा ये करवाया गया। वो उनको किसी प्रकार से प्रेरणा हुई है बड़ा देव की, तो उस प्रेरणा के द्वारा उनको ये महसूस हुआ कि यहाँ धर्म का कार्य करवाया जाए, मंदिर निर्माण करवाया जाए। और ये बहुत बड़ा प्राचीन स्थान जो आदिवासी समाज इस प्रकार का यहाँ जुड़ता रहता है, हर महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में एतवार बुधवार के दिन यहाँ ये आदिवासी समाज आता रहता है। क्या नाम है आपका? दादा 750 लिंगू जी बंगागा। धन्यवाद।